मैम टर्म कर रहे हैं क्लास सेवन का चैप्टर नंबर सेवन संज्ञा, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद कर रहे हैं। तो हम संज्ञा के जो मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इससे आगे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि भाववाचक संज्ञा है जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। फिर है इसके अंदर आगे बता रखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कि कई कई स्थानों पर ऐसा होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो कैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। कब होती है? देखो कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुण, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो एक विशेष गुण है उसके कारण वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे जय चंदो से देश को बचाओ, जय चंदो से, तो यहाँ पर जय चंद है वो बुरी चीज के बारे में है कि जय चंदो से देश को बचाओ। तो यहाँ पर जो जय चंद है उसके विषय में दे रखा है कि जिस प्रकार से का वह व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों से देश को बचाओ। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, बहुवचन के रूप में, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया। प्रत्येक परिवार में विभीषण मिल जाते हैं, प्रत्येक परिवार में विभीषण मिल जाता है। विभीषण कौन था? रावण का भाई। तो यहाँ पर जो विभीषण का गुण है उसके आधार पर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो हरिश्चंद है, हरिश्चंद्र जो राजा थे वो क्या थे, सत्य बोलते थे। तो यहाँ पर उनके गुण के कारण, उनका जो गुण है सच बोलने का, उसी के कारण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है कि आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी हरिश्चंद जैसे जो लोग हैं उनकी कमी नहीं है। फिर है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग, कि जिस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग करते हैं ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम जातिवाचक की जगह व्यक्तिवाचक में प्रयोग करते हैं। तो कुछ जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो जाते हैं और वे किसी व्यक्ति को निर्देशित करने लगते हैं कि देखो, वैसे पंडित जी हम बोलते हैं, नेता बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पंडित जी है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पंडित जी किसके लिए प्रयोग हो रहा है, नेहरू के लिए। तो ठीक है, नेहरू जी के लिए ये हो रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनको हम पंडित जी भी कहते हैं, तो ये उनके विशेष के लिए हो गया, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ऐसे ही नेताजी, यहाँ पर नेता बहुत से होते हैं लेकिन नेताजी किसे कहा गया है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पर नेताजी किसके लिए हो गए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो गए हैं। पुरी की रथ यात्रा बड़ी भव्य होती है। आगे है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग, इसी प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा है उनका हम जातिवाचक में के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, जब भाववाचक संज्ञा है उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराइयों से दूर रहो, आजकल दूरियां बढ़ रही हैं। अब है संज्ञा के अन्य दो भेद। संज्ञा के मुख्यतः दो ही तीन ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन दो अन्य भेद भी माने गए हैं। ये वैसे दोनों ही भेद हैं, वो जातिवाचक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य का, पदार्थ का या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, पीतल, दूध, गेहूं, कोयला आदि। समुदायवाचक में क्या होगा? जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है वहां होती है समुदायवाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जिनसे आपको, जब उस शब्द का आप नाम लेते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर दो से अधिक व्यक्ति होंगे। जैसे झुंड कहा तो झुंड में एक व्यक्ति तो होगा ही नहीं, टोली, समूह, दल, मंडली। तो ये क्या होंगी कि ऐसे जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो किसी समुदाय के या समूह के लिए प्रयोग होते हैं, वो है समुदायवाचक। वैसे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक अगर आपको अलग से नहीं लिखना है तो आप किसके अंदर आएंगे, ये जातिवाचक के अंदर इसके भेद आएंगे। अब है भाववाचक संज्ञा बनाना, कि हम भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों से बनाई जा सकती है। जो भाववाचक संज्ञा है उनको हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा है उसको हम पांच तरह से बना सकते हैं, विशेषण के द्वारा, स्वरनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से और अव्यय से।
ठीक है, तो पांच प्रकार से आपकी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। अब आपको याद हो तो हम रीडर की बुक में ही हमारी जो संज्ञाएं बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं जो हमने शब्द भंडार करे ना बेटा उसमें, जैसे जातिवाचक है मनुष्य, इससे भाववाचक क्या बना मनुष्यता, स्त्री से स्त्रीत्व, देव से देवत्व, पंडित से पांडित्य, शिशु से शैशव, अतिथि आतिथ्य, पशु पशुत्व, गुरु गुरुत्व, युवा यौवन, बालक बालपन। सर्वनाम से क्या बना अपना से अपनापन, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, निज से निजित्व, विशेषण से, विशेषण से जो भाववाचक संज्ञाएं बनी जैसे मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, कुटिल से कुटिलता, बुद्धिमान से बुद्धिमता, कमजोर से कमजोरी, गंभीर से गंभीरता, उचित औचित्य, दुष्ट दुष्टता, आलसी आलस्य, चंचल चंचलता, काला कालिमा, लाल लालिमा। इसी प्रकार से जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जो क्रिया शब्द है उनसे, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, कसना से कसावट, चुनना से चुनाव, रोना से रुलाई, हारना से हार, सीना से सिलाई, काटना से कटाव, लुभाना से लोभ, हारना से हार। अव्यय से भाववाचक निकट से निकटता, देर से देरी, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, समीप से समीपता, ऊपर से ऊपरी। अब है आपके ये आव दोहराए, यानी जो भी आपने पाठ में पढ़ा है उसके आपके दोहराने के ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। अब है आपके प्रश्न उत्तर में, संज्ञा किसे कहते हैं दो उदाहरण दीजिए, और संज्ञा के कुल कितने भेद हैं प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु, तो संज्ञा की परिभाषा हो गई किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं, और इसके कोई भी दो उदाहरण आप लिख सकते हो जैसे राजा मेज कुर्सी इस तरह से। दूसरा प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद है प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो, तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और प्रत्येक के हम क्या करेंगे उदाहरण भी लिखेंगे। तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, और इनके तीन तीन उदाहरण ये दे रखे, व्यक्तिवाचक के राम गंगा, जातिवाचक का आदमी शेर, और भाववाचक के बचपन और बुढ़ापा। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज में कि भाववाचक संज्ञाएं बनानी हमें, युवक से यौवन, पढ़ना से पढ़ाई, देव से देवत्व, मीठा से मिठास, कुमार से कुमार्य, चलना से चाल, व्यक्ति से व्यक्तित्व, और आलसी से आलस्य। अब है कि यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द के नीचे रेखांकित रेखा खींचिए और उसका भेद बताइए, कि जिसके नीचे हमने जो इसके अंदर जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है और उसका नाम बताना। इस हरियाली को निहारो, तो हरियाली भाववाचक संज्ञा, बेगम व्यक्तिवाचक संज्ञा, नगर जातिवाचक संज्ञा, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, टोली समुदायवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए जा रहे हैं उन्हें उचित शीर्षक में लिखिए, तो ये मैंने आपको बताया था आपने किया होगा, तो इसको देखते हैं हम। तो बेटा ये शब्द दे रखे हैं जैसे मुंबई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल, उस्मान, रामलीला, गायत्री, आगरा, मोहिनी, ये क्या है व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में आके आपका पिताजी, शहर, दुकानदार, मोर, गाय, हाथी, बस, शेर, लड़का। भाववाचक में प्रसन्नता, खटास, सच्चाई, बुढ़ापा। द्रव्यवाचक में आ गया तेल, चांदी, और समुदायवाचक में आ गया समूह और टोली। तो ये आपको नोटबुक में और बुक में नोट करने हैं। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस, दिस इज फॉर क्लास 7। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रिवाइज्ड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, and in today's class we revise the second chapter of history named New Kingdom. So let me continue our today's class with the exercise of the chapter number 2. First, fill in the blanks. The Rajputs belong to the Kshatriya caste, Kshatriya, Kshatriya caste. The word Rajput also means the son of a king. The Rajputs claim that they are descendants of the Suryavanshi, 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 and Chandravanshi,
चंद्रवंशी. चंद्रवंशी मीन्स मून डायनेस्टी. द प्रतिहाराज फर्स्ट एस्टेब्लिश देयर रूल एट मेवार इन प्रेजेंट डे राजस्थान. नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. इट इज बिलीव्ड दैट द राजपूत्स हैव देयर ओरिजिन इन द सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स लाइक द शाका हूण एंड कुशांस. दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट कि जो राजपूत हैं वो बिलीव करते हैं कि उनका जन्म मध्य एशिया से आए जो मध्य एशिया से जो लोग आए थे शाका हूण और कुशान उनसे हुआ है. तो ये ट्रू है. फ्रॉम 750 टू 1000 CE द नॉर्थ नदरन पार्ट ऑफ इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय द प्रतिहाराज. कि 750 से 1000 तक नॉर्थ पार्ट जो था इंडिया का वो प्रतिहारों के द्वारा कंट्रोल किया गया था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड इज द प्रतिहाराज वर नॉट ए राजपूत कलान. दिस इज फॉल्स बिकॉज दे आर राजपूत कलान. फोर्थ द पीरियड बिटवीन द 11th एंड 12th सेंचुरीज सा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन. कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में बहुत सारे पावरफुल किंगडम आए मध्य सॉरी उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में. तो दिस इज फॉल्स क्योंकि वो 9th सेंचुरी में आए थे. फिफ्थ इज इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भोजा द ग्रेट दैट प्रतिहारा डायनेस्टी रीच्ड इज जैनित. कि राजा भोज के टाइम में जो प्रतिहार डायनेस्टी थी वो जैनित में पहुंच गई थी. तो दिस इज ट्रू. द प्रतिहारा एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड वैन नागबट्टा वन कॉन्क्यूड मालवा एंड भरूच. कि प्रतिहार जो एम्पायर था वो विस्तार हुआ उसका जब नागबट ने मालवा और भरूच के ऊपर अधिकार कर लिया. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Now we do the matchup of this chapter. First is Mir Bhoj, Prithviraj Chauhan, Rampala, Rashtrakut dynasty or Gopala. 836 to 890 CE, 1169 to 1192 CE, 1082 to 1124 CE, 752 to 56 CE, 750 CE. First match to first, सेकेंड मैच टू सेकेंड. ये बेटा जो इनके आंसर सामने लिखे हुए हैं वो ही इनके आंसर हैं बिल्कुल सामने ही. फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकेंड का बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का डी है और फिफ्थ का ई है. नाउ वी डू द वन वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. ए बुद्धिस्ट स्कॉलर. कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन थे? तो थे तारानाथ. टी ए आर ए एन ए टी एच ए तारानाथ. मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूटा राष्ट्र टेरिटरी. रॉयल कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा मालखेट और मन्यकेता. अदर नेम ऑफ मून डायनेस्टी चंद्रवंशी. अदर नेम ऑफ सन डायनेस्टी सूर्यवंशी. नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. वी डू द क्वेश्चन आंसर इन आवर बुक. विच कास्ट डिड द राजपूत बिलोंग टू? द राजपूत बिलोंग टू द कास्ट क्षत्रिय. ठीक है, कि राजपूत कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे. वट डज द वर्ड राजपूत मीन? कि राजपूत वर्ड का क्या मीनिंग है? द वर्ड राजपूत मीन द सन ऑफ ए किंग. थर्ड इज हु कंट्रोल्ड द नदरन पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 750 टू 1000 CE. तो हु की जगह हम कर देंगे PRATIHARAS प्रतिहार्स. कंट्रोल्ड द नदरन पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 750 टू 1000 CE. फोर्थ इज हु वॉज पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द चौहान्स. की चौहान्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे ये. फिफ्थ इज विच प्लेस वॉज द रॉयल कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास. की राष्ट्रकूटा की रॉयल कैपिटल जो उनकी राजधानी थी वो कौन सी थी? तो द रॉयल कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास वॉज मालखेद और मन्यकेता. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज
गिव एन अकाउंट ऑफ द ओरिजन ऑफ द राजपूत, कि राजपूत के ओरिजन के बारे में बताइए। तो इसके ऊपर हम पॉइंट्स में करेंगे। द राजपूत बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट, द वर्ड राजपूत मीन सन ऑफ ए किंग, राजपूत क्लेम दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द सूर्यवंशी सन डायनेस्टी और द चंद्रवंशी मून डायनेस्टी। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द राजपूत्स हैव देयर ओरिजन इन द सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स लाइक द शाकाज, हूनाज एंड कुशांस। कि राजपूत क्या कहते थे कि हम क्षत्रिय, राजपूत क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। राजपूत वर्ड का मीनिंग है राजा का बेटा। राजपूत ये भी क्लेम करते थे कि हम वंशज हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के। और कुछ स्कॉलर्स तो ये भी बिलीव करते थे कि राजपूत जो है उनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया से जो यात्री या जो लोग आए थे, जैसे शाका आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, उनके ये वंशज हैं। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द राइवलरी अमंग द रीजनल किंगडम्स। आंसर इज इन बिटवीन द 8th एंड 10th सेंचुरीज मैनी पावरफुल किंगडम्स एस्टेब्लिश इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन। कि 8वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में बहुत सारे पावरफुल किंगडम, शक्तिशाली किंगडम स्थापित हुए उत्तरी भारत में और डेक्कन में। दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली इन वॉर विद ईच अदर फॉर कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक एरिया। कि ये सारे एक दूसरे के ऊपर लगातार वॉर कर रहे थे, लगातार एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे कि हम इस एरिया पे अपना अधिकार जमाएं। एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल ऑफ दिस पीरियड वॉज ट्रिपिटाइल बिटवीन प्रतिहार, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज। और एक त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ इन तीनों के बीच में, किनके बीच में? प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा के बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पालाज, कि पाला के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर इज द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई गोपाला इन 750 CE। कि पाला डायनेस्टी को किसने फाउंडेड किया था, किसने स्थापित किया था? गोपाला ने 750 सेंचुरी में। द एरिया ऑफ दिस किंगडम कवरिंग प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड नेपाल। और इनका जो किंगडम था वो आज के टाइम में जो बंगाल है, बिहार है, कुछ पार्ट उड़ीसा का है और नेपाल में फैला हुआ था। इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी वर देवपाला एंड महीपाला वन। और इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो देवपाल और महीपाल वन थे। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई दुर्गा, दांती दुर्गा, 752 to 56 CE। कि राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है वो स्थापित की थी दांती दुर्गा ने 752 to 56 CE में। मालकेत और मन्यकेता इज इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका सर्व्ड एज द रॉयल कैपिटल। और जो मालकेत या मन्यकेता जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में, वो इनकी शाही राजधानी थी। देयर रूलर रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम कैप कामरिन टू कन्नौज एंड फ्रॉम बनारस टू भरूच। इनका जो राज्य का विस्तार था वो केप कैमरून से लेके कन्नौज तक और बनारस से लेके भरूच तक था, मतलब पूरे भारत में ही इनका राज्य फैला हुआ था उत्तरी भारत में। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चमनाज, चमनाज चौहान को ही कहते हैं। द ओरिजन ऑफ द चमनाज और द चौहान्स इन अंबेर इन राजस्थान। की और इनका ओरिजन अंबेर राजस्थान में हुआ था। इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द चौहान्स वॉज पृथ्वीराज चौहान। इनका जो इम्पोर्टेंट रूलर था चौहान का वो पृथ्वीराज चौहान था। द किंगडम कवर्ड प्रेजेंट डे राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड पंजाब। जो राज्य इनका फैला हुआ था वो आज के टाइम में राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब, जगह जहाँ पे है वहाँ पे इनका राज्य फैला हुआ था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द रिवीजन वर्क एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। यू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन फॉर यूर एसे वन एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very pleasant morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am.
योर साइंस टीचर. टुडे स्टूडेंट वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो लेट गेट स्टार्टेड इट्स रिविजन वर्क. सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वॉट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स टेक एंड हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड. What are the mode they use, autotrophic and heterotrophic, okay, and how they how the nutrients are replenished back into the soil. So student, firstly we will do the word banks. The first one is the nutrition, the process of taking food and its utilization by the body. Nutrition ek aisa process hota hai student, jisme ki hum jo ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को लेते हैं एंड हाउ दे यूटिलाइज इट, और उनकी बॉडी उस फूड को किस तरीके से यूटिलाइज करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन. नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स फूड इट्सेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दिस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय द प्लांट्स. They prepare their food by this process because they take sunlight from the sun and water and minerals from the soil, and in the presence of chlorophyll they prepare their food. That process is known as autotrophic mode of nutrition, and they prepare, that is the reason they prepare their food by themselves, so that's why they are also known as the autotrophs. Okay, now next is photosynthesis, the process by which green plants make their food. स्टूडेंट देखिए, फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड. वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिम्स एंड के नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनिजम्स, दे डिपेंड ऑन फूड फॉर देयर दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड बिकॉज दे के नॉट मेक देयर फूड बाई देमसेल्व, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड. नेक्स्ट इज पैरासाइट, अ प्लांट विच लिव्स ऑन अनदर प्लांट और एनिमल टू टेक फूड एंड शेल्टर. पैरासाइट्स एक ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर रहते हैं एंड वहीं से फूड और शेल्टर लेते हैं, उनसे फूड लेते हैं और उन्हीं के ऊपर रह करके अपना शेल्टर बनाते हैं. सेप्रोफाइट्स एन ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोफाइट्स जो हैं एक ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, रहते हैं, उन्हीं से अपना फूड लेते हैं और खाते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट से अपना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं बिकॉज दे नीड एंड उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है. सो इस तरीके से वो इंसेक्ट्स को खा करके अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, वो उनका फूड होता है. सिंबायोसिस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट. एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी रिलेशनशिप दोनों के बीच में होती है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, कोई फूड लेता है और कोई शेल्टर लेता है. इसमें स्टूडेंट यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ द लीचेंस. लीचेंस में देखिए क्या होते हैं, वो एक एल्गा और फंगी दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ग्रीन एल्गे फूड प्रिपेयर करता है और फंगी जो है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रिपेयर करता है. सो इन दिस वे वो दोनों एक दूसरे से फूड एक्सचेंज करते हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द सिंबायोसिस रिलेशनशिप. ओके, नाउ स्टूडेंट हियर इज अ गिवन अप द राउंड अप समरी ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको उन सभी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द फूड. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसमें कि फूड को टेक करना और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी के थ्रू होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक. पहला जो न्यूट्रिशन मोड है वो ऑटोट्रॉपिक है, दूसरा आपका हेटरोट्रॉपिक है.
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय द प्लांट एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड डायरेक्टली. दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज गिवन टू द plants only. Okay, so that's why they are known as autotroph also. The process by which green plant make their food is called photosynthesis. And now we are talking about that process. In which process they make their food, it is known as the photosynthesis. They have the capability to make their food because they are fulfilled by the chlorophyll material. Unke paas chlorophyll material hota hai aur uski wajah se hi green plants prepare karte hain food ko. और दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को. द जनरल कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. देखिए स्टूडेंट सी ऑल फोर आर द कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ग्रीन पिगमेंट होता चाहिए उनके पास जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. विदाउट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर फूड. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट, सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और फॉर मेकिंग द फूड. फूड को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए, उपस्थिति भी जरूरी है. नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर के बिना भी प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो ऑल दीज फोर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज और शुगर इज सिंथेसाइज एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज. नाउ देखिए जब ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं दे प्रिपेयर ग्लूकोज दैट इज देयर फूड. ग्लूकोज को बनाते हैं, शुगर को बनाते हैं, ये उनका फूड होता है, स्टोर करते हैं उनको एटीपी के फॉर्म में. नाउ ये जो है सिंथेसाइज हो चुका है, अब इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, वो एनवायरनमेंट में जाके मिक्सअप हो जाती है एंड वी टेक द ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. ओके, सो दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉट ओनली फॉर द फूड प्रिपरेशन, इट इज ऑल्सो यू कैन से दैट की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बनाता है. नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक प्लांट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप. हेटरोट्रॉपिक प्लांट जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फोर कैटेगरीज आर मेंशन्ड हियर. द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक प्लांट्स. दे आर द पैरासाइट्स जिन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं और ये दूसरे प्लांट और ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं. सेप्रोफाइट्स ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं. इंसेक्टिवरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा करके. एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दो प्लांट दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, एक फूड प्रोवाइड करता है दूसरा शेल्टर. सो इन दिस वे दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट है आपका फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन एंड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप. देखिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं. फर्स्टली वी कैन ऐड द मैन्योर टू अवर फील्ड. हम अपने खेत में मैन्योर को ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग फर्टिलाइजर जो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं फैक्ट्रीज में, उनको ऐड करके हम अपने फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में अल्टरनेटली क्रॉप को ग्रो किया जाता है एंड लेग्यूमिनस क्रॉप में हमने वीट को ग्रो करके उसके नेक्स्ट सीजन में हम किसी भी पल्सेस की क्रॉप को ग्रो करना. सो दैट इज द ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप. सो स्टूडेंट आई हैव फिनिश्ड माई टूडेज क्लास. आई होप यू एंजॉय दिस. दैट्स ऑल फॉर टूडे. टेक केयर. गुड बाय. दिस इज फॉर क्लास 7th. Students, as you all know, we are doing a revision work and today we will start with the 7th chapter related to verbs expressing the present. Means we are going to do the tenses chapter right now, one by one topic we are going to consider. And now today I will tell you some what are the kinds of tenses and their meaning. Tenses are verb form used to indicate the time of action. It means जो हम काम करते हैं उसका time indicate यानी कि उसका time बताता है उसे हम tenses कहते हैं. We are using the form of verbs. हम बहुत सारी verbs use करते हैं, forms of verbs use करते हैं और उन verbs से हम ये बताते हैं कि कौन से time पर हमने कौन सा काम किया है. Okay students, no need to confuse in between. There are three main forms of the tenses. You can see here present tense, past tense and future tense. We are having three kinds of tenses. First is present tense. In present tense we are expresses action in the present time. Present time means
जो अभी हमारा समय चल रहा है, जो हमारा अभी काम चल रहा है, इसे हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, यानी कि जो अभी हमारा टाइम चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम मीन्स जो हमारा काम हो चुका है, जो हमारा काम हो चुका है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज़ फॉर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेसेस एक्शन इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम मीन्स जो हमारा अभी काम होने वाला है, या इसको हम हिंदी में भविष्य काल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम वर्तमान काल की बात करते हैं, जो हमारा समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस में हम भूतकाल की बात करते हैं, जो हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम फ्यूचर की बात करते हैं, जो हमारा अभी काम होना बाकी है, यानी कि अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू द सिंपल वन बाय वन द फॉर्मेशन ऑफ द टेंसेस एंड देयर काइंड्स ऑफ टेंसेस। स्टूडेंट्स, इन द टेंसेस वी आर हैविंग थ्री काइंड्स। एज यू ऑल नो, अभी हमने पढ़े हैं थ्री काइंड्स वी आर हैविंग: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, वी आर हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। नाउ वन बाय वन, नाउ आई विल टेल यू द फोर काइंड्स ऑफ वन टेंस, एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दीज आर द फोर काइंड्स इन वन सेंटेंस ईच। मीन्स एक हर टेंसेस के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग फोर काइंड्स ऑफ टेंसेस वी आर हैविंग, एंड वी विल डू वन बाय वन। नो नीड टू जस्ट रन विद इट, वी आर गोइंग टू डू वन बाय वन, एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, टुडे वी विल स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द फॉर्मेशन, formation, how you are going to write it down in your notebook. First of all, write it down the chapter, then divide it into three kinds of tenses, and then first of all write it down simple present tense, the main heading you have to write it down, and after this you are going to write it down the formation, and then for example of each kind. अब simple present में जो आप simple present लिखेंगे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, उसके अंडर भी आपके पास थ्री काइंड्स हैं। कैसे? पॉजिटिव, और यू कैन से पॉजिटिव, और यू कैन से अफर्मेटिव, वन एंड द सेम थिंग, दोनों का एक ही नाम है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। We are having three kinds under one tense. Okay students, now let's start with the formation. So today I will tell you the positive or affirmative sentences, how you are going to write it down. First of all, the subject. Subject is I. Base form of the verb, base form is read, plus s or es. आप verb के अंदर ही s और es का use करेंगे. And then object, here you are, I see subject is the boy, and then place is the verb, s or es we are putting s, the role of a knight. The boy plays the role of a knight. In this sentence we are having thus boy, subject, place is the verb, we are adding a s, and the role of a knight is object.
ओके स्टूडेंट्स, हेयर नेक्स्ट इज वी आर हैविंग द नेगेटिव सेंटेंसेस. इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू पुट डू, डज प्लस नॉट. विद द वर्ब्स वी आर गोइंग टू पुट नॉट. हेयर वी हैव द एग्जाम्पल, आई डू नॉट रीड इज द सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस I is the subject and do we are putting here plus not plus read is the verb. Okay students, next is interrogative sentences. In interrogative sentences you are going to start with the helping verb and then subject, then base form of the verb and then object. In this sentences how we are going to write it down? At the end we are going to put question mark, because in the interrogative sentences we are going to use question mark at the end of the sentence. Okay students, in simple present tense we are using ki hum simple present tense ko kahan kahan use karte hain. According to the sentences, see here, to express a habitual action. Habitual action means जिस चीज़ की हमें आदत हो जाती है, habit हो जाती है, उसके लिए हम simple present tense use करते हैं. Okay students, next is to express general truth, scientific and geographical facts. Means जब हम किसी के बारे में scientific यानी कि जो सच्चाई के बारे में या जो facts के बारे में बताते हैं, उनके लिए भी हम simple present tense use करते हैं. Okay students, now today's topic is over. I will tell you in the next video about the simple present tense. Remaining points we will discuss in the next video. Students, do this work and no need to confuse in between the sentences. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing our preparation for SA1 exams. So almost we have completed chapter 8 and just done the revision part also. So today I'm just going to start the new chapter, that is chapter number 9 for class 7. So let us start. So student, ye jo aapki story hai, the happy prince yani ki khush rajkumar, to iske jo hai पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं. द हैप्पी प्रिंस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. यानी कि ऑस्कर वाइल्ड एक इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं, तो उन्होंने जो अपने लिटरेचर्स में जो स्टोरीज लिखी हैं उनमें से जो है द हैप्पी प्रिंस भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है. Thus, a statue of the happy prince was kept on a tall column high above the city when he was alive. यानी कि जब जो है happy prince जिंदा था, उसकी जो है statue को जो है city के बीचों बीच एक बड़े उसमें ऊपर उसको लगाया गया था. He did not know what tears were. उसको ये भी नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. बट आफ्टर डेथ, लेकिन डेथ के बाद, ही कुड सी इट्स मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिटी. लेकिन जो है अपनी मृत्यु के बाद वो जो है लोगों को ऊपर टॉप जो है सिटी के टॉप पे जब उसका स्टैचू लगा हुआ था, उससे वो ये चीज़ देख रहा था कि हाँ संसार में क्या क्या घटनाएं होती हैं. ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस एंड गेव अवे एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ द सफरर्स. यानी कि उनको जो है जब लोगों के साथ, जैसे पुअर है या कोई असहाय लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग जिनको जो है परेशानी होती थी, वो उनके लिए जो है उनकी जो भावना जो है फीलिंग्स जो थी वो बहुत ही पिटी थी टुवर्ड्स दैट पर्सन. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन द टॉल कॉलमन हाई अबव द सिटी. यानी कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो जो है
टॉल बहुत ही ऊंची दीवार बनाकर उसके ऊपर बनाया गया था। इट वॉज ब्यूटिफुल स्टैचू क्लैडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। यानी कि जो उसका स्टैचू जो बनाया गया था उस स्टैचू के ऊपर हल्का सा थिन जो है लेयर्स बनाए गए थे किससे, फाइन गोल्ड से, सोने से। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट शेपर्स, यानी कि आंखों के लिए ब्राइट शेपर्स बनाए गए थे। ए लार्ज रेड रूबी, और एक बहुत ही बड़ा रूबी जो है ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड हाइल, और उसके जो है रूबी लगाया गया था उसके जो है तलवार में। वन नाइट, एक नाइट को, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो, यानी कि स्वैलो जो है ऊपर से एक दिन जो है वहां से एक रात को गुजरी सिटी के ऊपर से। हिज फ्रेंड्स हैड ऑल गोन अवे टू इजिप्ट सिक्स वीक्स बिफोर, यानी कि उस जो है स्वैलो की जो जो है बाकी जो दोस्त थे वो इजिप्ट जो है 6 वीक्स पहले ही चले गए थे। बट ही कुड नॉट गो विद देम, वो उसके साथ नहीं जा पाया। नाउ ही वॉन्टेड टू गो टू, लेकिन अब वो जाना चाहते थे। बट इट वॉज नाइट एंड ही वॉज टायर्ड, अब रात हो चुकी थी और वो थक भी गई थी सोलो। एंड आफ्टर फ्लाइंग ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन उड़ते हुए, सो ई वॉज सर्चिंग फॉर ए शेल्टर टू हैव सम रेस्ट। अब जो सोलो जो क्या कर रहा था कि काफी जो है फ्लाइंग करने के बाद अब उसको ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वो आराम कर सके। वेयर शेल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूं? ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। जस्ट देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, यानी कि बड़े से कॉलम के ऊपर जो है उसने जो है स्टैचू को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहां रेस्ट कर सकती हूँ। ही क्राइड, उसने कहा। इट इज अ फाइन प्लेस, ये बहुत अच्छी जगह है, चिल्लाकर कहा। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि यहाँ मुझे जो है बहुत ही अधिक मात्रा में फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। सो ही अराइव्ड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और उसके बाद उसने जो है उस जो है लंबे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के ऊपर जो है रेस्ट करने के बारे में सोचा। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपका यहीं तक है, कल जो है इसका आगे हम स्टार्ट करेंगे। सेम आपको अगर इनमें से कोई ऐसा वर्ड लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी की हेल्प से आप उसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। हेलो स्टूडेंट, टुडे सेशन आई प्रियंका मैम रिवाइज यू सम डेली यूजेस सेंटेंसेस, सो लेट्स स्टार्ट सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल टुडेज टाइम इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एवरीवन वांट्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके सो यू हैव टू रिवाइज दैट वर्ड्स दैट सेंटेंस डेली रूटीन एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, सो लेट्स स्टार्ट। Our first sentence is कुछ खास बात नहीं, nothing special. Friend, ये sentences मैंने आपको last month कराए थे, but that is today's time I will revise that sentence. Okay. Now next one is अद्भुत, marvelous. ना, not at all. Okay. क्यों नहीं, why not? क्या बकवास है, what nonsense? नेक्स्ट इज अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदर में ब्यूटीफुल। कितना गंदा, हाउ डर्टी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बहुत घटिया, वेरी पुअर।
ये वर्ड्स कब यूज करते हैं? जब आपके टीचर्स आपको कोई वर्क देते हैं या आपकी मदर फादर कोई वर्क देते हैं और आप उसको अगर अच्छे से करते हैं तो आपको बोला जाता है एक्सीलेंट, एंड अगर आप उसको गंदा करते हैं तो वेरी पुअर। ओके, बहुत प्यारा। इफ यू वियर एनी न्यू ड्रेस देन योर पेरेंट्स योर टीचर यूज दैट वर्ड, हाउ लवली, मीन्स आप कितने अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारा। नाउ नेक्स्ट वन इज, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। नेक्स्ट वन, अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी एट दिस टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर या व्हाट्स द मैटर, आप ऐसे भी स्पीक कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, तुम कब फ्री हो जाओगे, व्हेन यू विल बिकम फ्री। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, शाबाश, वेल डन। नेक्स्ट वन इज, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब, हाउ नाइस, जल्दी करो, हरी अप, प्रिय, ओह डियर। नेक्स्ट वन, बेशक, ऑफ कोर्स, जरा सुनिए, जस्ट लिसन। तो स्टूडेंट, आपको ये सेंटेंस अपने डेली रूटीन में यूज भी करने हैं और अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वन इज, सच, रियली, ईश्वर को धन्यवाद, थैंक यू गॉड या थैंक्स गॉड, हे भगवान, ओ माई गॉड या माई गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, चाहे जो हो, कम बट मे, स्वागत है, वेलकम यू या वेलकम भी यूज कर सकते हैं, कहीं नजर ना लगे, टच वुड। नेक्स्ट वन इज, रुको, स्टॉप। नेक्स्ट वन इज, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर किसी के कुछ खुशी का काम होता है या किसी को कोई, जैसे कि बेबी वगैरह होते हैं या कोई किसी की एंगेजमेंट मैरिज होती है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस स्पीक करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, मैंने आपको 30 सेंटेंसेस रिवाइज कराए हैं, तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं और अपने डेली यूज में यूज करने हैं। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कब यूज करना है, जैसे कि थैंक गॉड मीन्स आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें बहुत देर से लगे हुए हैं और लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, तो एकदम से अगर वो काम हो जाता है तो आप बोलते हैं थैंक गॉड। ओके, तो इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज करना है। हेलो स्टूडेंट, टुडे सेशन आई प्रियंका मैम डिस्कस विद यू सम एक्सेल फॉर्मूलाज एंड सम फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस विद यू सम एक्सेल फॉर्मूला, वो कंटिन्यू दैट, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट फॉर्मूला इज ABS। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने 5 फॉर्मूले कंप्लीट किए थे। नाउ सिक्स्थ वन इज ABS, एब्सोल्यूट के लिए यूज होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ओके, यहाँ पे आपके पास है माइनस में 10 गिवन है तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू में उसको कैलकुलेट करना। ओके, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, यू पुट योर क्लोथ इन वॉशिंग मशीन, देन टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन, मीन्स अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालोगे तो वो धुलकर ही बाहर आएंगे, अगर आप मैले डालते हो तो भी वो उसको वॉश करेगी, अगर धुले हुए डालते हो तो भी वो उसको वॉश करेगी। ओके, तो इसी तरह एब्सोल्यूट की ब्रैकेट में जो भी नंबर डालोगे वो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज SQRT, स्क्वेयर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट, इन फॉर्मूला में सबसे मेन थिंग है, यू हैव टू यूज फर्स्ट इक्वल टू, देन फॉर्मूला, देन नंबर, इक्वल टू SQRT 400, तो ये 400 किसका स्क्वेयर रूट है, 20 का, लाइक दैट 169 किसका स्क्वेयर रूट है, 13 का। नाउ नेक्स्ट वन इज मीन एंड नेक्स्ट वन इज मैक्स। मीन का यूज किस लिए होता है, कोई भी आपको लिस्ट गिवन है उसमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम मीन का यूज करते हैं और मैक्सिमम के लिए मैक्स का। आपको यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, मीन 10, 20, 30, तो आंसर इज 10, मिनिमम नंबर क्या है, 10। इसी तरह से 10, 40 and 30, तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 40, ये आपका आंसर आ गया 40। नाउ आई टेल यू सम फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज रैम। रैम एक टाइप की मेमोरी होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ नेक्स्ट वन इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वन इज CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन।
नेक्स्ट वन इज आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। स्टूडेंट ने जो आईएसपी क्या होते हैं, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे किसमें आते हैं, आईएसपी में। इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वन इज पीडी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है और यूएसबी एक केबल होती है जो कम इसमें कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड माउस वगैरह में लगे होती हैं, वो यूएसबी होती है। जैसे कि हमारे फोन का चार्जर में जो लीड होती है उसको भी हम यूएसबी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एसडी हार्ड डिस्क, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी, इसमें आप कितना भी डेटा सेव कर सकते हैं, इसकी कुछ कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, जीबी या टीबी में। नेक्स्ट वन इज एफडी फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट वन इज आईओ इनपुट आउटपुट। एसडब्ल्यू हार्डवेयर, जनरली हम कंप्यूटर में कंप्लीट वर्ड ना यूज करके इस तरह की शॉर्टकट की यूज करते हैं और इनकी फुल फॉर्म आपको मैंने आपको बताई दी है इसमें, तो आपको ये अपने एग्जाम के लिए लर्न करनी है। ओके, गुड मॉर्निंग डियर सेवेंथ क्लास स्टूडेंट। एज यू नो दैट चैप्टर टू रिव्यू एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन, सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर टू रिव्यू एक्सरसाइज। फिफ्थ क्वेश्चन, अ ड्रम कंटेन 100 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल, ड्यू टू लीकेज 1/50 लीटर ऑफ ऑयल लीक फ्रॉम इट, हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट इन द ड्रम। अब देखो ड्रम में कितना ऑयल है, 100 लीटर केरोसिन ऑयल ड्रम में प्रेजेंट है, लीकेज के कारण 1/50 लीटर ऑफ ऑयल उसमें से लीक आउट हो गया, मींस कि उसमें से निकल गया है, हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट इन ड्रम। अब ड्रम के अंदर कितना ऑयल प्रेजेंट है, तो देखो कंप्लीटली जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारे पास 100 लीटर है, उसमें से 1/50 लीटर हमें उसमें से माइनस करना है, तो 100 में से 1/50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, जो लेफ्ट क्वांटिटी है ऑयल की वो हमें मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन फिफ्थ का सॉल्यूशन है, क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन अ ड्रम इज 100 लीटर। 100 लीटर उसमें अंदर जो ऑयल है एक ड्रम के अंदर वो 100 लीटर है। अब लीकेज के कारण, ड्यू टू लीकेज 1/50 लीटर ऑफ ऑयल लीक फ्रॉम इट, ठीक है, उसके अंदर से 1/50 लीटर ऑयल जो है वो लीक हो गया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, रिक्वायर टू फाइंड द लेफ्ट ऑयल, लेफ्ट ऑयल जो बच गया है वो ऑयल हमें उसमें से फाइंड आउट करना है। तो अब देखो क्या कैसे करेंगे, 100 लीटर में से 1/50 लीटर को माइनस करेंगे, सो 100 माइनस 1/50, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहां क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 1000 हो जाएगा हमारे पास, 5000 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो अब हमारे पास 5000 हो गया है, तो ये हमारे पास 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9994, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 50। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई 99 से कर देते हैं हम, और लेफ्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास 49 हमारा कोशेंट आ जाएगा, तो हमारे पास जो ऑयल लेफ्ट है ड्रम में वो क्या आ जाएगा 99 अपॉन में 50 लीटर ऑयल इज लेफ्ट इन अ ड्रम, ड्रम के अंदर ये ऑयल प्रेजेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज, सो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज हमारे। फर्स्ट एमसीक्यू है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 126/210, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगी तो 63 अपॉन में क्या आ जाएगा 105। अगेन अगर मैं अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए, 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 35। अभी भी मुझे लग रहा है हो सकता है, अब मैं 7 से इसको करती हूँ तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 25, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 3/5। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3/5, वो ही हमारा क्या है
राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड एमसीक्यू करते हैं अपना। सेकेंड एमसीक्यू है हमारा, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर। क्वेश्चन ये, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर, ये इस तरह से हमें बॉक्स गिवन है, तो जो मिसिंग नंबर है ये हमें फाइंड आउट करना है। प्लस 4 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 6 7 अपॉन 12, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। तो इसमें जो मिसिंग नंबर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको एज इट इज रखा है। अब इस पार्ट को मैं राइट साइड में ले जाती हूं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो इसको मैंने एज इट इज नोट किया है, यहाँ पे बॉक्स है हमारे पास इज इक्वल्स टू। अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 12 6 जा 72 और 72 में हम 7 ऐड कर देते तो 79, तो ये हो जाएगा 79 अपॉन में 12। इसकी मैंने साइड चेंज करी है तो 12 4 जा 48 हो जाएगा, 48 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो माइनस का 53 अपॉन में 12। आपको समझ आ गया ना कि मैंने इसकी साइड चेंज कर दी और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बेस हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 आ गया, इट मीन 79 में से हमें 53 लेस करना है, तो 53 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26। अब मैं मुझे लेके क्या आना, इसी के इक्वल है ये, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो देखो 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 1 जा 3 जा 13 आ गया। अब हमारे पास इसको अगर मैं मिक्सड नंबर में राइट करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 2 जा 12 और 1 आ गया रिमाइंडर, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है वो हमारी राइट साइड के इक्वल है, तो हमारा क्या आएगा बॉक्स में 1, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। सो थर्ड पार्ट करते हैं हम, एमसीक्यूज का हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हाउ मच मोर इज 1/2 ऑफ 2/3 देन 3/4 ऑफ 1/3। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करते तो इस ऑफ को रिप्लेस कर दिया जाए मल्टीप्लाई से, मैंने रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई से, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है। अब देखो मेरे पास क्या है, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 4 मेरे पास है, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4 और 3। अब देखो विच वन इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, इट मीन्स तो हमारा कौन सा ग्रेटर हो गया है हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, 4 ग्रेटर हो गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 अपॉन में 12 इज ग्रेटर, तो 1 अपॉन 12 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, 1 अपॉन 12। आपको समझ आ गया, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 1 आ गया होगा समझ, सॉरी हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इसमें हमसे ग्रेटर नहीं पूछा, इसमें हमसे ये पूछा हाउ मच मोर, कितना ग्रेटर है, ये तो हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें इसको करना है सबट्रैक्ट। ठीक है, हमें ग्रेटर निकालने के लिए इसको करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, तो 2 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12, तो यहाँ हो गया 4 माइनस का 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 12। जो थर्ड ऑप्शन है उसका आंसर क्या आ गया है, 1 अपॉन 12, और ये हमारा थर्ड ऑप्शन ही है एमसीक्यूज का, थर्ड ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। वो बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटर, तो ग्रेटर तो हमें पता चल गया, लेकिन हमसे पूछा गया था हाउ मच मोर इज, यानी कि कितना ग्रेटर है, वो हमने सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 16 अपॉन 15 इज मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 16 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया है, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया है, न्यूमरेटर में भी हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर में, तो आंसर किसके इक्वल हो गया है 1 के, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आंसर राइट है, और जो ऑप्शन नंबर 1 है वही हमारा इसका राइट आंसर है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द कोशेंट ऑफ 7/9, कोशेंट ऑफ 7/9 इज डिवाइडेड बाय 28 अपॉन में 45। अब देखो कोशेंट बताना है, तो डिवाइड को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो एक फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 7 अपॉन में 9 इज मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन में 28, तो अब इसको 7 1 जा 7 4 जा 9 1 जा 9 5 जा, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको हमें करना है मिक्सड फ्रैक्शन में, तो मिक्सड में करने के लिए क्या करेंगे, 4 1 जा 4 होता है और उसमें 1 प्लस कर दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा 1 1 अपॉन 4, इट मीन्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वही हमारा
राइट आंसर है इसका। तो चैप्टर नंबर टू की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर वन की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।